देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही छुपता है भालू और यहाँ पर लगा रखे लाइट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं रामनगर रोड इंद्रजीत गढ़ी। कुछ दिन पहले यहाँ पर भालू दिखाई दिया था और हम उस जगह पहुँचे हैं कि भालू कहाँ दिखाई दिया है वो आपको हम जगह दिखाते हैं। अभी यहाँ खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर हमें तालाब दिखाई दिए मछलियों के, तो हम आपको वो तालाब दिखाते हैं और वो जगह दिखाते हैं भालू वाली, वो जगह कहाँ पर है। देखिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सामने यहाँ तालाब बना रखे हैं। देखिए एक तालाब ये है और एक छोटा सा तालाब ये है। यहाँ पे मछलियाँ पालन होती हैं और यहाँ कुछ खेती बाड़ी हो रही है। देखिए आप सामने, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग रहते भी हैं, जैसे कि हमें इसकी निगरानी के लिए, तालाब की निगरानी के लिए यहाँ पे इन्होंने घर बना रखा है, छोटा सा घर बना रखा है, झोपड़ी बना रखी है। तो यहाँ कुछ रहते भी हैं, रात को रुकते हैं और इसकी पहरादारी करते हैं साथ में। दोस्तों हम अभी आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाके कि वो भालू की लोकेशन कौन सी थी। बाकी आप देखिए, यहाँ पर एक तालाब ये है और एक तालाब आगे है, एक तालाब उससे आगे है। यहाँ पर छोटे छोटे तालाब बना रखे हैं और सबसे बड़ा तालाब इस समय ये है मछली पालन का। तो अभी मछलियाँ तो नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, मगर तालाब दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने मोटर का इंतजाम कर रखा है, जैसे कि मतलब जो समरसेबल टाइप की मोटर होती है ना, ये मोटर का इंतजाम कर रखा है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे समर से भी लगा रखा है, यहाँ से पानी होता है इसमें एंटर, फिर उसके बाद यहाँ पे निकल जाता है, फिर ये तालाब भर जाता है पूरा। देखिए भी यहाँ से निकल रहा है पानी और दूसरे वाले तालाब में सप्लाई करते हुए। ये देखिए आप सामने, इस तरीके से मछली पालन होता है दोस्तों। भी काम मतलब आसान नहीं होता, उसमें मेहनत लगती है और उसके ऊपर इन्होंने तार भी लगा रखे हैं। मतलब तार क्या धागा टाइप का है कुछ, कि अगर कोई पक्षी वगैरह आए तो नीचे तक नहीं जा पाए। देखिए आप, चलते हैं आगे की तरफ। हमारा मेन मोटिव ये था कि इस क्षेत्र में भालू आया था और अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। यहाँ साइड में भट्टा है, देखिए वहाँ जानकारी मिली थी कि यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों हम दूसरे तालाब पर आ चुके हैं, जहाँ मेन तालाब है, जहाँ भालू दिखाई दिया था सामने, और पीछे की साइड में है ईंटों का भट्टा। देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए आप सामने, ईंटों का भट्टा है और यहीं पर उसका घर है, यहीं रहता है वो रात को, और इस जंगल से निकल के यहाँ पर आता है। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं कि कुछ के कुछ पगमार्क है या नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहीं छुपता है भालू और यहाँ पर लगा रखे लाइट, हो सकता है कैमरा भी हो क्योंकि हमको इतना पता नहीं है। ये देखिए आप, कि यहाँ से निगरानी हो सके इस कैमरे से कि यहाँ भालू आया था या नहीं आया था, इसी वाले उसमें जाकर छुपता है वो। देखिए दोस्तों, हम आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भट्टा, ईंटों का भट्टा किस तरीके से होता है और कैसा होता है। ये देखिए आप, उस भालू ने पक्षी को भी नहीं छोड़ा, देख सकते हैं आप उसके पंख पड़े हैं और कुछ उसका शरीर का हिस्सा भी है, जैसे कि कौवा। ये देखिए आप सामने, यही मूवमेंट रहती है उसकी दोस्तों। और वो गड्ढा कैसा करता है मैं आपको दिखाता हूँ, गड्ढा किस प्रकार का करता है और कहाँ रहता है वो रात में। देखिए आप, शायद यहाँ छुपकर बैठ जाता हो। दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। इधर एक यहाँ रेलवे लाइन है, यहाँ पर सामने यहाँ पर रेलवे लाइन है, बाकी ये जगह है। और देखिए मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक जगह है, वो कहीं भी छुपा हो सकता है। चलिए देखिए दोस्तों, जगह जगह खुदाई हो रखी है यहाँ पर, और सुना जाता है कि भालू भी अक्सर खुदाई वाली जगह में रहता है क्योंकि वहाँ उसे छुपने का साधन मिल जाता है। तो देखिए आप कितनी ख़तरनाक जगह है, और यह है ईंट का भट्टा जो अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है। देखिए दोस्तों, वहाँ आपको ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं कि ऊपर क्या स्थिति है। आपने चालू भट्टे तो बहुत देखे होंगे, मगर ये बंद भट्टा है और यहीं छुपता है भालू। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए देखिए दोस्तों, हम आगे की तरफ लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं यहाँ पर कि भालू कहाँ छुपता है रात में। आसपास के ग्रामीण लोग दहशत में हैं कि क्षेत्र में भालू है।
तरीके से बनी होती दीवारें। देखिए दोस्तों, ये हम पूरा इसको कवर कर लिया भट्टे को यहाँ से। अब हम चलते हैं दूसरी साइड में, जंगल की साइड में, सॉरी ये रेलवे लाइन है, और यहीं कहीं भालू रात में मूवमेंट रहती है और काफ़ी दहशत का माहौल है यहाँ पर। तो दोस्तों और अब बने रहे हमारे साथ, अब देखते हैं आगे पूछ के कि हमें क्या मिलता है। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम इसके ऊपर और आप बन रहे हैं हमारे साथ। देखिए मैं जोर से भागता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रेलवे लाइन है और ये सीधा काशीपुर से आती है रामनगर। देखिए दोस्तों, सामने ना ये पूरा फॉरेस्ट का जंगल है। देखिए यहाँ पर और काफ़ी ख़तरनाक जंगल है, घना जंगल है, और बीच में पटरी है जो काशीपुर से रामनगर के लिए जाती है ट्रेन। यहाँ से हो सकता भालू यहीं इसी जाले जंगल से निकलकर इस इंद्रजीत गढ़ी क्षेत्र में आता हो, और काफ़ी ख़तरनाक जगह साबित हो रही है समय ये, क्योंकि यहाँ भालू कंटिन्यू दिख रहा है। दोस्तों इधर साइड में कुछ पैरों के निशान है, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा कि भालू के हैं, क्योंकि हमें पता नहीं उसके पैर कैसे होते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं ये निशान है। और ये इसी मोमेंट से आ रहे हैं, यहीं से होते हुए इस तरीके से यहाँ पर एक गांव की तरफ जा रहे हैं। तो कोई भी वन्य जीव इस जंगल से एंटर करते हुए इस ग्रामीण क्षेत्र में घुस जाता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, फॉरेस्ट से मिलता हुआ एरिया है, और काफ़ी यहाँ पर घना जंगल है, और इसी कारण इस ग्रामीण क्षेत्र में भालू आता है रोज रात को। तो अभी तो कोई मूवमेंट ऐसी नहीं दिख रही कि यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए, बाकी कोई मूवमेंट होती है तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आम के पेड़ पर बगले, कितना अच्छा दृश्य है, और सामने देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये उत्तराखंड की हसीन वादियों में टहलते हुए। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।